नमस्कार, आप देख रहे हैं मनीष न्यूज लाइव। मैं हूं आपके हाथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। टेकानागा के मकान में लगी आग। नागपुर टेकानागा के सिद्धार्थ नगर में मोहम्मद जफर भाई के मकान में सटे घर में शुक्रवार की रात 10:30 बजे दौरान अचानक भीषण आग लग गई। आग की इस घटना को देखते ही स्थानीय नागरिकों ने आग को चपेट में आ गए थे। मकान में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। घटना की सूचना मिलते पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आनन फानन से घर में लगी आग को बुझाने में लग गई है। सिद्धार्थ नगर के नागरिक पूरी तरह से घबरा गए है। खबर लिखे जाने तक स्थानीय नागरिकों की मदद से दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में कोशिश कर रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। तब तक घर पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए थे। आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है। मिशन मजनू का टीजर रिलीज। चॉकलेट बॉय एक एक्शन अवतार में। शांतनु बागची की निर्देश में बनी हुई फिल्म मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाने वाले हैं। एक मिशन पर है। टीजर के सिद्धार्थ पाकिस्तान में रह रहे हैं, भारतीय जासूस वे दिखाई दे रहे हैं, अपने देश के कुछ लिए कुछ करने को तैयार है। वही टीजर में दिखी झलक से पता चल रहा है कि कश्मीर और सिद्धार्थ का लव एंगल दिखाया जाएगा। टीजर में एक्ट्रेस दुल्हन में खूबसूरत जोड़े में दिखाई देंगी और जबकि इसी दृश्य में सिद्धार्थ को भी सिर पर पगड़ी बांधे हुए देखा जाएगा। टीजर की शुरुआत में 1971 लिखा देखा जा सकता है। दरअसल जानकारी के मुताबिक मिशन मजनू की कहानी 1971 में हुई जंग के दौरान से सेट की गई है। यह फिल्म सच्ची कहानियों पर आधारित है। फिल्म के सिद्धार्थ और रश्मिका के अलावा परमित सेठी, मीर सरवाज और जाकिर हुसैन भी अहम भूमिका में दिखने वाले हैं। इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी मिशन मजनू। फिल्म मिशन मजनू OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर 20 जनवरी 2023 को रिलीज होने जाएगी। बात करते हैं कश्मीर के वर्क फ्रंट की, तो फिल्म गुड बाय में नजर आई थी अमिताभ बच्चन की भूमिका वाली। गुड बाय के रश्मिका ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। डॉक्टरी छोड़ फिल्म जगत में नट सम्राट कैसे बने श्रीराम लागू। श्रीराम लागू नाक कान के गले के बेहतरीन सर्जन थे। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों को बेहतर शौक था। शायद ही यह वजह थी कि उन्होंने अपना प्रोफेशनल बदलकर फिल्म की दुनिया में रुख कर लिया था। श्रीराम लागू ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में जाना माना चेहरा नहीं बल्कि मराठी सिनेमाओं में भी उन्होंने काफ़ी गुणवत्ता प्राप्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो श्रीराम लागू ने 20 से ज़्यादा मराठी नाटकों का डायरेक्ट किया है और उन्होंने इस जाने माने डायरेक्टर में शुमार थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आहट एक अजीब कहानी से की थी। यह फिल्म साल 1971 में आई थी। श्रीराम लागू ने नट सम्राट नाटक से किए गए याद किया जाता है। इस नाटक से श्रीराम लागू ने गणपत के रोल किया था। गणपत वेलवरकर की भूमिका मराठी थिएटर से लिए मील का पत्थर जानी जाती है। गणपत का किरदार इतना कठिन होता है कि इस निभाने वाले कलाकार अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। श्रीराम लागू ने साथ ही ऐसा ही कुछ हुआ था। नट सम्राट में गणपत का किरदार निभाने के बाद उन्होंने दिल का दौरा पड़ गया था। श्रीराम लागू ने बॉलीवुड से पिंजरा, मेरे साथ चल, सामना, दौलत जैसी करनी शानदार फिल्में दी है। अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने एक बार कहा था कि श्रीराम लागू की आत्महत्या लगातार किसी को भी लुभा सकती है। 1969 में वही पूरी तरह से मराठी थिएटर से जुड़ गए थे और धीरे धीरे उनके चाहने वाले की संख्या। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।